नमस्कार किसान भाई, ऑर्गेनिकर याली नर्सरी से मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, जो हमारी नर्सरी है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं बड़े आम की शिफ्टिंग किस तरीके से करते हैं, यानी कि आपके घर पे, आपके प्लॉट में कहीं पर भी आम लगा हुआ है, उसकी शिफ्टिंग करना है तो उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, तो वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो है आम का पौधा है, इसकी शिफ्टिंग के बारे में संपूर्ण डिटेल से दिखाएंगे कब करनी, कैसे करनी है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से, किसान भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आपके लिए इस तरीके की जो नई नई वीडियो हैं वो लाते रहें। तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है, ये हमने पौधा शिफ्ट कर दिया है। और शिफ्ट करने के बाद अभी जो कंडीशन है वो आपको दिखा दूँ, इसकी यहाँ से तना भी इसका आपको दिखा दूँ मैं, कितना मोटा जो तने का जो हमने पौधा शिफ्ट किया है, ये देखिए मेरे पोंछे में जो है वो नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, इतना मोटा है, करीबन 5-6 इंच की इसकी लपेट है। और इसका हमने सफल जो है आज एक हफ्ता से ऊपर हो गया इसको शिफ्टिंग किए हुए, और इसने कलियाँ हैं वो निकाल कर काफ़ी बड़ी बड़ी हैं वो कर ली हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी किसी पौधे की प्लांटेशन दूसरी जगह करें तो जो जड़ से लगा हुआ तो उसकी ब्रांच है वो काट देनी है, यानी कि मोटी ब्रांचेज जो हैं वो उसको हटा देनी है इधर से, और छोटी मोटी करके जो नई ब्रांचेज हैं उनको भी हटा देना है। इस तरीके से टोटल ब्रांच हटा देने के बाद हम अच्छे तरीके से साफ कटर से इसको हटा देंगे। इससे क्या होगा, पौधे में जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी, यानी कि पौधे के अंदर जो खुराक है वो एकदम स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद में इसमें जो पत्तियाँ हैं वो भी हफ्ते 10 दिन के बाद में इस तरीके से कलियाँ निकल जाएंगी, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कुछ कलियाँ हैं निकल गई। और इस तरीके से मिट्टी है वो दूर से हटा लेंगे ताकि पौधा अपने बारीक रूटों से भोजन उठाना शुरू कर दे। इस तरीके से जो है ये देखो कलियाँ आ गई है 10 दिन बाद में, इस तरीके से हमने जो प्रूनिंग की थी 10 दिन के बाद में इस तरीके से प्रूनिंग आ गई। प्रूनिंग करने के बाद में जो नई कलियाँ आ गई हैं, हम सारे पत्ते हैं वो हटा देंगे। पत्ते हटाने का मकसद ये होता है कि पौधा के अंदर अगर एक बार रूट हिल भी जाती हैं तो स्टोरेज है वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ताकि पौधा सूखेगा नहीं और तब तक अपनी नई रूट है वो बना लेगा, और कुछ जो अपनी बारीक रूटें हैं उनसे भोजन उठाएगा, तो ज़्यादा ताकत के नीचे से पौधे को जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम चारों तरफ से अच्छे से गड्ढा खोद के पौधे को बिल्कुल आराम से गैची है वो निकाल लेंगे, यानी कि मिट्टी का बड़ा सारा टीला निकाल लेंगे जो हम उठा के दूसरी जगह रख लें। हमारे यहाँ बालू मिट्टी है तो थोड़ा बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है, अगर चिकनी मिट्टी हो तो इतनी ज़्यादा सावधानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम टीले को वो आराम से यहाँ से एक साइड से हटा लेंगे, और एक साइड से हटा के फिर इसकी जो नीचे की जो हमारी जड़ें हैं उनको धीरे धीरे से हटा देंगे, क्योंकि किसके नहीं। इस तरीके से हम उन बारीक रूटों को है वो कटर से काट देंगे इस तरीके से। फिर इसको हम किसी कट्टे या पल्ली के अंदर डाल के या किसी मजबूत से कपड़े पर डाल के यहाँ से हम इसको शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाके रख देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से उठा के, और हमने दूसरी जगह को ले जाके रख दिया है, इसको दूसरी जगह लगा ले जाके रख देने के बाद इसमें हम वर्मी कंपोस्ट, और ये देखिए भैया हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, इसको हम डाल देते हैं। ऊपर आपको दिख रहा है नई ब्रांचेज हैं वो आ गई थी पहले ही, जो हमने शिफ्ट करने से पहले, इसमें हम वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड आप ज़रूर भी डालें, फंगीसाइड डालना ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट डाल के इसमें अच्छे तरीके से, और हम इस पर मिट्टी ऊपर से डाल देंगे। इस तरीके से मिट्टी डालने के बाद हम इसमें फिर एक बार मिट्टी है जो अच्छी तरीके से दबा देंगे, ताकि पानी के साथ में मिट्टी नीचे की तरफ खिसकेगी, जो स्पेस है वहाँ पर मिट्टी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होए। इसके बाद में हम इसको पानी को अच्छे तरीके से भर देंगे, ताकि जड़ों में जो खाली स्पेस है वहाँ पर मिट्टी चली जाए, ताकि हवा ना रहे और कोई फफूंदी वगैरह लगने का चांस है वो ना रहे। तो इस तरीके से हम पौधे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो आम का बड़ा पौधा है या और भी कोई बड़ा पौधा है इस पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह आपको दिखाया है कि आम का बड़ा पौधा हो किस तरीके से ट्रांसफ़र है वो हमें करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ईजिली इसको है ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसका हमने सफल जो है आज एक हफ्ता से ऊपर हो गया इसको शिफ्टिंग किए हुए, और इसने कलियाँ हैं वो निकाल कर काफ़ी बड़ी बड़ी हैं वो कर ली हैं इस तरीके से। तो अभी इसमें फुटाव भी आपको दिखा दूं मैं, फुटाव भी बारीक फुटाव है वो स्टार्ट हो गया है। इधर देखिए आप, इसमें जो फुटाव है वो शुरू हो गया है, और ये आपको देखने को मिलेगा इधर फुटाव, और इसमें ये देखो अभी बड्स हैं निकलने स्टार्ट हो गए हैं, जो है इसमें बड्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं इस तरीके से। तो ये जो आम का पौधा है, ये इस तरीके से आप अगर आम का पौधा शिफ्ट करना चाहते हैं
तो ईजिली से उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस पौधे में जो है, पिछली बार हमारा काफ़ी फ्रूट लगा था और ये हमारी इस लोकेशन में बैठ गया था जहाँ आगे चल के हमें तो परेशानी करता, तो हमने इसको शिफ्ट करके आपको दिखाया। अगर आप किसी भी बड़े पौधे की शिफ्टिंग करते हैं तो उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।